सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस खास मौके पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा फहराने के नियम क्या हैं? साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई थी, जिसमें इसके सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों के बारे में बारीकी से बताया गया है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है। जानिए तिरंगा फहराने का सही तरीका क्या है। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, पैरों से कुचलता है या मौखिक और लिखित रूप से अपमान करता है, तो उसे 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। ध्वज का प्रयोग किसी ड्रेस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। झंडे के ऊपर ना तो कुछ लिखा जाना चाहिए और ना उस पर कोई चित्र लगाना चाहिए। झंडे को जानबूझकर बिना राष्ट्रीय शोक के झुकाया नहीं जा सकता, ना ही उसे जमीन अथवा फर्श को छूने देना चाहिए। कभी भी जानबूझकर झंडे को उल्टा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराए गए अन्य ध्वज के समय राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई सबसे अधिक होनी चाहिए। यदि झंडा किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसकी स्थिति सदैव वक्ता की दाईं ओर होनी चाहिए। कटा फटा या क्षतिग्रस्त झंडा नहीं फहराना चाहिए। झंडे को किसी अन्य ध्वज के साथ एक ही समय में एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जा सकता है। झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए या बंधनवार गुच्छे के रूप में नहीं किया जा सकता। झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। पेपर से बने झंडे का प्रयोग जनता द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जा सकता है, परंतु ऐसे कागज के झंडों को समारोह के पूरा होने के पश्चात ना तो विकृत किया जाना चाहिए और ना ही ऐसे झंडों को जमीन पर फेंक देना चाहिए। कटे फटे या रंग उड़े झंडे को पूरी तरह से एकांत में जलाकर या ऐसा अन्य कोई तरीका अपनाकर पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए, जिससे उसकी गरिमा बनी रहे। तो ये थे कुछ सामान्य नियम जिनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाकर रख सकें। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है और यह सदैव ऊंचा रहे। जय हिंद।